हेलो स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बात करूंगा हरियाणा सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के बारे में ये वीडियो बिगनर्स के लिए बनाया जा रहा है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू फ़िल करी जाती हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन्स चाहिए एज लिमिट कितनी रहेगी और स्पेशली जो नया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न अभी अप्रूव हुआ है और उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा इन इन पांच पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो लोग सिर्फ बेसिक्स जिन लोगों को मालूम है और वो नया सिलेबस और अपडेटेड पैटर्न uh, देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे बिफोर वी बिगिन इस सेशन का जो पी है डिटेल सिलेबस जो है वो हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है तो आप वहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो अगर आप घर बैठे हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसपे बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं हरियाणा एज वेल एज आई एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एच एग्जाम कंडक्ट करता है ऑफिसर लेवल की भर्तियों को भरने के लिए हरियाणा स्टेट में इस एग्ज़ाम में बहुत सारी पोस्ट्स लाइक हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसको हम एस कहते हैं या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है डी ए क्लास तहसीलदार ई टी ओ एक्साइज एंड टेक्सीन ऑफिसर और इस तरीके की ऑफिसर लेवल ग्रेड ए लेवल की पोस्ट्स को फिल करने के लिए कंबाइंड एग्जाम किया जाता है जिसमें मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट इज ओवर ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपके पास होनी चाहिए बिफोर आप इसके लिए एलिजिबल हो और एक और बात जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ बट वो फाइनल ईयर में है अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं बट तो कंडीशन है इसकी इस, इसका प्रोसेस पूरा होने तक आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री आ जानी चाहिए या आपकी जो मार्क्स स्कोर का है, वो आ जाना चाहिए एज फार एस एज लिमिट इज कंसर्न तो एज लिमिट देखिए सभी अदर देन पुलिस पोस्ट डीएसपी वही एज 21 से 27 साल है मिनिमम एज तो सेम ही है सभी पोस्ट के लिए 21, 21 साल और मैक्सिमम एज 27 साल फॉर डीएसपी और 42 टू ईयर्स फॉर बाकी के जो जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी हैं एज पर इस इन्फॉर्मेशन का सभी के लिए रेलिवेंस नहीं बनता जो लोग कंसर्न कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसका एक स्क्रीन ले लीजिए फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल एज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो उसमें अपना एज रिलैक्सेशन का कॉलम ध्यान से पढ़ें उसको अवेल करने से पहले बट जो जो अभी पिछली नोटिफिकेशन में अवेलेबल था वो ये रिलैक्सेशन मैंने यहाँ पर डाला हुआ आप स्क्रीन ले लीजिए हम आगे बढ़ते हैं जो लोग डीएसपी की सर्विस अवेल करना चाहते हैं उनके लिए सेट फिजिकल स्टैंडर्ड होना आवश्यक है जस्ट लाइक मेल्स के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो पाँच फिट सात इंच है फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट पाँच फुट दो इंच है और मेल्स के लिए चेस्ट जो है उसका मेज़रमेंट दैट इज़ थर्टी थ्री और थर्टी फोर पॉइंट फाइव के बीच चेस्ट का मेज़रमेंट होना चाहिए मिनिमम ये मेल्स के लिए क्राइटेरिया है स्पेशली और इसके अलावा भी सर्टेन एक फिज़िकल टेस्ट होता है बट वो एक सिंपल सा फ़िज़िकल टेस्ट होता है मेल्स एग्ज़ाम के बाद प्री और मेन एग्जाम के बाद ये, ये चीजें मेजर करी जाती हैं अगर ये सेट स्टैंडर्ड्स पे कोई एलिजिबल नहीं होता है तो वो लोग डी की पोस्ट अवेल नहीं कर सकते बाकी वाली वैकेंसीज उनके लिए इंटैक्ट रहेंगी अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तीन स्टेजेस में काम करता है पहला है प्री एग्जाम देन मेंस देन इंटरव्यू देखिए प्री है 200 नंबर का दो पेपर यहाँ पे होते हैं मेंस है 600 नंबर का चार पेपर यहाँ पे होते हैं और इंटरव्यू एज एन वन एग्जाम है वो भी और प्री जो है वो एम लेवल का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो मेन्स होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा कन्वेंशनल टाइप जस्ट लाइक आप अब कॉलेजेस में जिस तरीके के एग्जाम्स दिए हैं हमने और लास्ट इंटरव्यू है वो आप सभी लोग जानते हो कि फेस टू फेस और एक एग्जामिनेशन एक, एक, एक होता है अब प्री का जो मेन काम है प्री का सिर्फ एक ही काम होता है दैट इज फॉर द स्क्रीनिंग प्री का पर्पज़ है कि कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट कर देना कि कौन से कैंडिडेट मेंस में जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे प्री हमारा फाइनल सिलेक्शन में काम नहीं आता बट वो फिल्टर करता है कैंडिडेट्स को मेंस में जाने के लिए जो फाइनल मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनती है तो नॉर्मली आप नंबर ऑफ़ मार्क्स और क्वेश्चन बेसिक पैटर्न देख लीजिए कि पेपर वन प्री में जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड आएंगे और टू आवर्स का समय होगा देन पेपर टू जो है वो सी सेट होता है अगेन मार्क्स आवर्स का टाइम है यहां पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है पॉइंट टू फाइव मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी माने अगर आपने क्वेश्चन ठीक करा तो आपको एक नंबर मिलेगा अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो आपके पॉइंट टू फाइव मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन तो कुछ नहीं कटेगा वो इंडेक्ट आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे जितने आते हैं सिलेबस so देखते हैं पहले पेपर वन जनरल स्टडीज प्रीलिम्स का तो जनरल स्टडीज का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए विदाउट हैविंग एनी स्पेशलाइजेशन आपको हर एक चीज़ की जनरल नॉलेज होनी चाहिए दैट्स वॉट मीन द जनरल स्टडीज और सामान्य अध्ययन तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल साइंस इसको हम एवरी साइंस भी कहते हैं यहाँ पे साइंस की मास्टरी की आवश्यकता नहीं है लेकिन बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस हमें पता होने चाहिए देन देन करंट अफेयर्स एक या पिछले डेढ़ साल के इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो हमें पता होने चाहिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशली दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत का इतिहास चाहे वो एंशियट है मेडिवल है एंड स्पेशली मॉडर्न जो जो हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल रहा वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी भूगोल से इंडियन इंडियन ज्योग्राफी भी है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं देन भारत का जो कल्चर है देन इंडियन पॉलिटी हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट इज अर्थव्यवस्था इंडियन इकॉनमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद हरियाणा का सेक्शन आता है हरियाणा जनरल नॉलेज हम इसको नॉर्मली बोल देते हैं हरियाणा की इकॉनमी हरियाणा का पीपल सोसाइटी कल्चर हिस्ट्री क्या रहा लैंग्वेजेस किस तरीके की हैं नॉर्मली पंद्रह से बीस क्वेश्चन जो है वो लोकली इस इस एग्ज़ाम में रहते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं पेपर टू सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी प्रब्लम्स का एक मेन पार्ट है यहाँ पे एक लैंग्वेज स्किल्स आपका चेक करा जाएगा इंग्लिश नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन वगैरह यहाँ पे आती है और दूसरे दो पार्ट्स जो रहते हैं वन इज द लॉजिकल रीजनिंग एंड अनदर इज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लास्ट पॉइंट इज जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक नंबर ऐसी भी कहते हैं अब एक चीज़ यहाँ नोट करने लायक है जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है वहाँ का सी का एग्जाम अगर मैं पिछले सालों की बात तो नॉर्मली स्टेट्स और यूपीएससी के मुकाबले ये पेपर और डिफिकल्ट आ रहा है तो इसकी तैयारी करते हुए आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है इसको लाइटली नहीं लेना पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और ये पैटर्न अभी नोटिफाई करा गया है सरकार के द्वारा इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं जुलाई 2019 में जो पिछला पेपर जो हो गया उसका तो पैटर्न पुराना था जुलाई 2019 में हरियाणा की कैबिनेट ने नया पैटर्न अप्रूव कर दिया और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट जो है वो जनवरी 2020 में करी गई हैं तो हम उनकी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे चार पेपर होंगे टोटल चारों के चारों डिस्क्रिप्टिव होंगे तीन पेपर कंपल्सरी हैं एक पेपर ऑप्शनल है कंपल्सरी पेपर्स में वन इज़ इंग्लिश नदर इज़ हिंदी दोनों सौ सौ मार्क्स के हैं और पेपर थ्री जो है वो जनरल स्टडीज हैं ये 200 मार्क्स का होगा ध्यान रहे पहले ये सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर था लास्ट जो ऑप्शनल पेपर है दैट विल बी ऑफ द 200 मार्क्स अर्लियर यहाँ पे दो पेपर थे ऑप्शनल के दोनों के दोनों 150 150 मार्क्स के थे और ये 100 मार्क्स का था अब उन दोनों को हटा के हमने दो ही पेपर यहाँ पे 200 200 मार्क्स के कर दिए और एट दी एंड जो वाइवा वो से इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स का ही रहेगा फाइनल नोटिफिकेशन जब भी एग्जाम का निकलेगा तो उसमें और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें अभी ये चीजें जो है हरियाणा के कैबिनेट ने अप्रूव कर दी हैं द ट्रिब्यून में प्रेस रिलीज इन्होंने करा था अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कुछ नए ऐड करे गए हैं उनकी हम आगे बात करेंगे पहले और पेपर्स का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं पहली बात है इंग्लिश तो प्लस टू लेवल का बेसिक इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पेपर यहाँ पे होने वाला है जिसमें प्रेसाइज राइटिंग एक पार्ट रहेगा जिसका अनदर अनदर आस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम अनसिन पैसेज बोलते हैं देन एक ऐसे लिखना होगा वोकेबलरी के ऊपर या जनरल ग्रामर पर आपको सौ नंबर का पेपर आएगा सेकेंड इज हिंदी सिमिलरली हिंदी में वही प्लस टू लेवल का बेसिक ग्रामर ऐसे लिखने लायक जैसे लाइक यहाँ पर एक लेसन प्रेसाइज राइटिंग करना है हिंदी पैसेज को एक्सप्लेन करना है कॉम्पोजिशंस पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ऐसे आएगा हिंदी में लिखना है और इस तरीके की चीज़ें आपको हिंदी में करनी है सौ सौ नंबर के दोनों पेपर हैं बेसिक लेवल की हिंदी और इंग्लिश मैं अगली वीडियो में इनकी बुक्स भी बताऊंगा किस तरीके से पढ़ते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनरल स्टडीज दो जनरल स्टडीज हमने प्री में भी पढ़ा था बट डिफरेंसेस वहाँ पे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे इस टाइप हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और बहुत प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए तो जीएस के देखिए दो पार्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं पार्ट वन जो है वो हिस्ट्री इंडियन कल्चर जोग्राफी ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी और और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज़ वेल एज़ जो नेशनल एंड सोशल रेलिवेंस के इश्यूज हैं नेशनल इश्यूज देखिए इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है अनएम्प्लॉमेंट वगैरह वगैरह और सोशल इश्यूज जो जो अभी अभी जिस तरीके की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है वुमेन एम्पावरमेंट है अनटचबलिटी है मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ों पर क्वेश्चन आपको आ सकता है पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा आउटसाइड ये थोड़ा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है देन फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड मैटर्स पे क्वेश्चन आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे देन इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशनज डब्ल्यू एच ओ इस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक एक पार्ट यहाँ पे रहेगा उसके बाद स्टैट्स एंड एनालिसिस उसके बाद स्टैट्स एक एक मेन मेन पोर्शन इस इस पार्ट का रहेगा तो दो पार्ट्स में जीएस का पेपर होने वाला है अब डरने की बात क्यों नहीं है क्योंकि प्री में हमने ऑलरेडी ये लगभग ये सिलेबस पढ़ा था अगर मैं इस स्टैट्स वाले पार्ट को इग्नोर कर दूं तो सारी चीजें हमने प्री में पढ़ी थी इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो प्री प्लस मेन्स ही करते हैं क्योंकि प्री और मेन्स में जो जो समय है वो ज़्यादा हमें मिल नहीं पाता और तैयारी कॉम्प्रीहन हो नहीं पाती और हम फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है गिवन पहले 23 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई थी बट जनवरी 2020 में इन्होंने छह सब्जेक्ट और ऐड कर दिए हम उन सभी की बात करेंगे यहाँ पे कुछ कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक एग्रीकल्चर हो गया देन एनिमल हस्बेंड्री बॉटनी केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये इट्स लाइक प्रोफेशनल्स जिन जो जिन लोगों ने इनको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है वही इनमें आगे एग्जेल कर सकते हैं बाकी लोग नहीं देन देयर इज़ इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड एक एक जनरल सब्जेक्ट भी है दैट इज़ जियोग्राफी नॉर्मली जो साइंस पढ़े लोग हैं उनको अपने सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं तो वो भी इस तरीके के हेमार्टीज के सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं देन इज़ हिंदी लिटरेचर इज़ देयर उसके बाद भारतीय जो इतिहास है देन लॉ देन मैथामेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनस ये काफ़ी प्रोमिनेंटली ऑप्शन चूज करा जाता है इंडियन हिस्ट्री को बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं कॉमन कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ आप कोई भी ले सकते हो देन साइकोलॉजी इज़ देयर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक है पंजाबी लिटरेचर इज़ देयर सोशोलॉजी इज देयर अगेन अगेन बहुत कम से के साथ एक अच्छा सब्जेक्ट है संस्कृत लिटरेचर है जोआलॉजी है तो जो सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट करें जनरल सब्जेक्ट्स हैं लोगों को अक्सर लोग ये ले ले, ले लेते हैं बिकॉज नॉर्मली अगर पी एस आई आर की मैं बात करूँ तो हमने जी एस के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ रखी हैं हिस्ट्री लगभग सेवेंटी परसेंट हमने जी एस में पढ़नी ही पढ़नी है तो उसमें थर्टी परसेंट ऐड करके हम लोग अपना एक अच्छा ऑप्शनल बना सकते हैं सो इज़ ट्रू विद द जोग्राफ़ी सो इज़ ट्रू विद द पार्ट्स ऑफ सोशोलॉजी एज़ वेल देन हम बात करते हैं आगे कि जनवरी 19 को एक प्रेस रिलीज करा जाता है जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट सेड कि हम लोग एच के सिलेबस में छह नए सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं वो छह नए सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जिस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं उन सिमिलर सब्जेक्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं इनमें तो होपफुली आने वाली जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें ये नए सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे बिकॉज इट हैज़ बिन फाइनली डिसाइडेड बाई द सरकार और वो छह सब्जेक्ट कौन से हैं दैट इज एंथ्रोपोलॉजी जोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज मेडिकल साइंस एंड फिलासफी लास्ट इज स्टेटस्टिक्स तो ये छह सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाली नोटिफिकेशन में और ऐड होंगे 23 हमारे पास थे तो 29 टोटल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोगों ने पढ़ा है यह नॉर्मली साइंस के बच्चे जो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ना चाहते और अपने सब्जेक्ट को चूज नहीं करना चाहते या उनका सब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट सिलेबस कम है ईजी टू राइट है और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट एक बन सकता है यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग इनको लेते हैं तो दीज आर द सर्टन सब्जेक्ट्स और ये एक नया पैटर्न था दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आने अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ा जाना चाहिए और ओवरऑल क्या हमारी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी रहेगी तब तक आप अपना ध्यान रखिए घर पे रहिए थैंक यू सो मच